वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। आज हम STS 630 रिसर्च मेथड्स के लेसन 22 को डिस्कस करेंगे। ये तीन टॉपिक जो हैं कवर लेटर, मनी हेल्प और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसको हम पिछले लेसन में पढ़ चुके हैं। हम यहाँ से देखेंगे फॉलो अप से, यानी कि रिमाइंडर्स याद दहानी करवाते रहना चाहिए लोगों को, जिसकी वजह से चांसेज हैं कि वो जो है वो रिस्पॉन्स कर देंगे, मेल का रिस्पॉन्स कर देंगे। प्रिलिमिनरी नोटिफिकेशन, क्वेश्चंस वाला परफॉर्मा यानी क्वेश्चनियर भेजने से पहले अगले बंदे को इन्फॉर्म कर दिया जाता है कि हम आपको क्वेश्चनियर सेंड करने लगे हैं, काइंडली जल्द से जल्द इसका रिस्पांस कर दें। सर्वे स्पॉन्सरशिप, अगर अगले बंदे को साथ साथ ये भी बता दीजिए कि कौन सी कंपनी इन्हें स्पॉन्सर कर रही है, तो ये चीज़ भी इफ़ेक्ट करती है। रिटर्न एनवलॉप्स, आमतौर पर लोग एनवलप की कॉस्ट बचने के लिए भी मेल नहीं कर पाते, तो अगर कंपनी इन्हें रिटर्न एनवलप भी साथ भेजे तो बहुत लोग रिस्पॉन्स कर देते हैं। पोस्टेज, ये पोस्ट की एक टाइप है जिसमें विद इन लिमिट अगर मेल का रिप्लाई कर दिया जाए तो पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अगर इस किस्म की मेल्स की जाए तो हो सकता है अगला बंदा जल्दी रिस्पॉन्स करे। पर्सनलाइजेशन, हर बंदे को कवर लेटर मुख्तलिफ स्टाइल्स में मुख्तलिफ अंदाज में भेजेंगे तो इसका इस पर मुख्तलिफ असर पड़ेगा। साइज़, रिप्रोडक्शन और कलर, इसको टोटल डिज़ाइन एफर्ट भी कहते हैं TDE, यानी कि साइज़ मुनासिब हो, कलर अट्रैक्टिव हो और पेपर का साइज़ हो वो A4 हो। ईमेल सर्वेज, ईमेल सर्विस क्या है कि वो मेल जो इंटरनेट के ज़रिए सेंड की जाती हैं, इसको ज़्यादा स्पीड से डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है और कॉस्ट कम होती है। हर रीजन तक एक्सेस है, लोगों का मानना है कि शायद ईमेल पर टेलीफोन की निस्बत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस होता है। इसमें आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी बरकरार नहीं रहती, इसमें आपका एड्रेस भी साथ जाता है। हो सकता है कि एक बंदे को हाई ग्राफिक्स की मेल भेजी जाए लेकिन इसका कंप्यूटर इसको सपोर्ट ना कर पाए तो वो इसे ओपन नहीं कर पाएगा। आगे है इंटरनेट सर्वेज, इंटरनेट सर्वे इज़ एन सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटिव क्वेश्चनियर पोस्टेड ऑन वेबसाइट। वेबसाइट्स पर क्वेश्चनियर मौजूद होते हैं जिनका जवाबात लोगों ने देने होते हैं। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को देखते हैं। पहले एडवांटेजेस को देखते हैं। पहला है स्पीड एंड कॉस्ट इफेक्टिवनेस, यानी कि सिंपल जिस तरह ये इंटरनेट पर होता है तो जारी बात है स्पीड भी इसकी ज़्यादा होगी और जो है कॉस्ट भी कम होगी, क्योंकि कम टाइम में जो है बहुत से लोग जो कि इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं वो इन सवालात को देख सकते हैं और इनका जवाब भी दे सकते हैं। नंबर टू है विजुअल अपील्स एंड इंटरेक्टिविटी। विजुअल जिस तरह ग्राफ्स हो गए, पिक्स वगैरह हो गई, वो इसके अंदर शामिल की जा सकती हैं, इसको अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। नंबर थ्री, रिस्पोंडेंट पार्टिसिपेंट एंड कॉपरेशन। ज़्यादा ये चीज़ ज़्यादा होती है, कॉपरेशन ज़्यादा होती है क्योंकि लोग कंटेंट पर अपनी मर्ज़ी से सर्वेज़ को फिल करते हैं। नंबर फोर, एक्यूरेट रियल टाइम डाटा कैप्चर। जिस टाइम में एक बंदा डाटा डालता है, डाटा का रिप्लाई करता है, उसी एग्जैक्ट टाइम में वो सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। नंबर फाइव, कॉल बैक्स। बार बार नोटिफिकेशन शो होते हैं लोगों को, एक चीज़ जब एक साइड हम ओपन कर लेते हैं आपको पता है कि बार बार उसको नोटिफिकेशन में आना शुरू हो जाता है। नंबर सिक्स, पर्सनलाइज्ड एंड फ्लेक्सिबल क्वेश्चनिंग। इसमें इंटरव्यू नहीं होता, इसमें रिस्पोंडेंट डायरेक्टली सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करता है। रिस्पोंडेंट एनोनिमिटी, इसमें कह रहा है कि इसमें रिस्पोंडेंट की सिक्रेसी को मेंटेन रखा जाता है। नंबर एट, रिस्पॉन्स रेट। लोगों को ईमेल या नोटिफिकेशन के ज़रिए रिमाइंड करवाया जाता है जिससे इनका रिस्पॉन्स रेट बढ़ जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पहला है ऑल पीपल कैन नॉट पार्टिसिपेट। बहुत से लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते क्योंकि वो इनके पास इंटरनेट मौजूद नहीं होता। आगे नो फिज़िकल इंसेंटिव, इसमें नॉन वर्बल क्यूज़ को ऑब्ज़र्व नहीं किया जा सकता। आखिरी टॉपिक है हमारे लेक्चर का, सिलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट सर्वे रिसर्च डिज़ाइन। अब सवाल ये आता है कि हमने स्टडी के लिए कौन से मेथड्स को इस्तेमाल करना है। इतने सारे हमने मेथड जो डिस्कस किए इनके अंदर कौन सा मेथड जो अप्रोप्रिएट है, ये चीज़ हमारी स्टडी पर डिपेंड करती है कि किस टाइप की स्टडी है और फिर इसके मुताबिक सर्वे का तरीका
सिलेक्ट किया जाता है। बहुत से लोग मल्टीपल मेथड्स का इस्तेमाल करते हैं, वक्त के साथ साथ होने वाली तब्दीलियां भी अहम किरदार अदा करती हैं। जैसे अब पोस्ट का तरीका काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया है, लोग इंटरनेट सर्वेज़ को ज़्यादा प्रेफर करने लग गए हैं। व्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो अपना एक मिड टर्म का सिलेबस था वो कवर कर लिया है। आई होप कि आप लोगों के लिए ये आपके मिड टर्म एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। जल्द ही अपने नेक्स्ट लेसन्स के साथ, टॉपिक्स के साथ मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।